ए भार सो मुँह सो बातें जग में होती आना कानी सिकंदर वही जो सुने सबकी करे मन की जय सीता माता जानकी आज हम पढ़ेंगे कक्षा चार में पाठ नो सुने सबकी करे मन की ये कुछ प्रश्न उत्तर देख लें आपको अच्छा लगेगा फिर पाठ पढ़ लेंगे उस्ताद शब्द का सही अर्थ क्या है गुरु या शिक्षक घोड़े की सवारी करने वाले को इनमें से क्या कहा जाता है गुड़ रात्रों नौ नवरात्रों के समूह को नवरात्रा कहते हैं सात दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं दस वर्षों के समूह को दशक कहते हैं।, हैं और उस्ताद कहते हैं गुरु या शिक्षक को सुनो सबकी करोमन की नामक पाठ व्यापारी वारी न सुखराम तो व्यापारी आता है जो समान खरीदता है और बेचता है लाभ हानि कमाता है अब आगे बढ़ो सुनो सबकी करोमन की पाठ नौ पाठ नौ कक्षा चार हिंदी में फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था कौन सा गांव फूलपुर धनी राम उसका इकलौता बेटा था तो सुखराम व्यापारी था और सुखराम व्यापारी का एक बेटा था इकलौता बेटा धनी राम धनी राम इकलौता बेटा था सुखराम ने धनी राम को पहली बार अनाज मंडी भेजा पहली बार कहाँ भेजा अनाज मंडी पिता पिता ने चलते समय समझाया बेटा व्यापार में दो पैसे का लाभ भी बहुत होता है इसलिए ताओ भाव करके अनाज खरीदना समझदार आदमी की सलाह सुनना पर उस करना अपनी समझ से दिन डूबते डूबने पर घर आ जाना दो खाली बोरे लेकर वह घर से चला कितने बोरे लेकर चला दो बोरे अनाज की मंडी दूर एक गाँव में थी इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया अरे किस पे सवार गया पर सवार होकर गया धनीराम घोड़े पर कोई कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया अनाज की कई दुकानें थीं देखी एक जगह सौदा पट गया उसने एक बोरा गेहूँ तुलवा लिया फिर बाजार की सैर की बाज़ार की सैर की आगे देखिए धीरे धीरे दोपहर हो गई धनी राम वापिस आया और गेहूँ का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले ले चला बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची इसलिए वह पैदल चलने लगा रास्ते में मिल गए लाल बुझक्कड़ रास्ते में कौन मर गए मिल गए लाल बुझीर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे दो नी रमाए बैठे थे दोनी रमाए बैठे थे धनी दन, राम को देखकर कर भी हंसने लगे धनी राम को गुस्सा गया उसने कहा तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो क्योंकि तुम मूर्ख हो एक शिष्य ने कहा मैं मूर्ख हूँ तुम लोग मुझे ऐसा कहकर कर राम उनसे लड़ने को तैयार हो गया ठहरो ठहरो मैं समझाता हूँ दूसरे शिष्य ने धनी राम को शांत करते हुए कहा बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं अजीब बात करते हो देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूँ लदा है मैं कैसे बैठूं धनी राम ने कहा हाँ यह बात हुई ना बात यह हुई ना बात शिष्य ने कहा मैं कैसे बैठूँ का जवाब देंगे तो हमारे उस्ताद लाल जक्कड़ आओ उनसे पूछते हैं अब वे सब लाल बू के पास गए उन्होंने धनी की समस्या बताई लाल बू सुनकर पहले तो गंभीर हो गए फिर मुस्कराने लगे इतनी छोटी सी बात अभी हल किए देता हूँ समस्या को समस्या कठिनाई लाल बू ने कहा बोरे में क्या है ये धनी ने कहा आगे देखिए तो उतने ही वजन का वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो फिर दोनों ओर घोड़े के दोनों ओर लटका दो वजन बराबर हो जाएगा घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी तुम बैठ कर जा सकोगे यह हुई ना कल की बात शिष्य ने एक ओर में कहा धनी राम ने सोचा यह समझदार आदमी है इसकी बात माननी चाहिए उधर लाल बुझौकर आगे बढ़ गया धनी ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक और लटका गया एक और लटका कर गेहूँ का बोरा दूसरी तरफ कर दिया उसके उन्होंने विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है पैदल चलना तो मुरखता है या घोड़े की पीठ पर बैठ गया उसने उसके बैठते घोड़ा गिर गया आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े धनीराम के हाथ पैर फिसल गए उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया बोरे में बोरे में पत्थर भरे देखे तो वे धनीिराम को रटने लगे अजय अजय मूर्ख हो इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो तो धनीराम परेशान होकर बोला हाँ हाँ तो मूर्ख हो नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते ये उनका वजन बराबर करने के लिए भरे हैं ये मुझे लाल बगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था जैसे उन्होंने कहा वैसा मैंने किया तो तुम तो तुम्हें मूर्ख लाल मुझकड़ मिल रहा था वह तो मूर्ख है है ही तुम भी मूर्ख बन गए सच में मूर्ख बन गया मैंने सोचा सैनी और वैज्ञानी दिखते हैं तो मैंने उनकी बात मान ली लोगों ने धनी को समझाया पत्थर लादने की बजाय गेहूँ को दो हिस्सों में करके बोरों में भर लेते दोनों बोर लट लटका लेते वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठ कर भी आ जाते कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती धनी को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया उसने तुरंत पत्थर फेंके आधा गेहूँ दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर लटकाए दिए अब जो जो ही वह घोड़े की पीठ पर बैठा क्यों ही घोड़ा सरपट भाग चला शाम होने पर पहले शाम होने से पहले वह घर भी पहुँच गया वही मन में सोच रहा था बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं सुनो सबकी करो मन की अब मैं निश्चय कर लिया कि सुनूंगा सब सभी की पर करूंगा अपने मन की अपने मन की आगे देखिए प्रश्न उत्तर भी देख लें भी देख लें अपने अनाज अन उस्ताद गुरु शिक्षक लादा लादना व्यापारी खरीदने बेचने काम करने वाला शिष्य चेला विद्यार्थी समस्या कठिनाई हल निदान पिताजी ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया था पिताजी ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया था पिता ने धनीराम को मंडी जाते समझाया बेटा व्यापार में दो पैसे का लाभ भी वो तो है इसलिए भाव ताव भाव करके भाव ताव करके अनाज खरीदना लाल बू जक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी लालबू जकड़ ने धनीराम को सलाह दी क्योंकि बोरे के वजन के बराबर दूसरे बोरे में भी पत्थर भरो दो। दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो वजन बराबर हो जाएगा अब तुम्हारे बैठने के लिए पीठ खाली हो जाएगी धनीराम पैदल क्यों चलने लगा बोरा लगा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची इसलिए धनीराम पैदल चलने लगा धनीराम को जकड़ के शिष्यों से बैठ लड़ने को क्यों तैयार हो गया जब धनीराम धनीराम को देखकर वो जक्कर